मार्केट का मतलब क्या है, जहां भी सेलर और बायर क्या हो, रेडी टू सेल एंड बाय। यस अग्री। जहां पे भी क्या हो, जहां पे भी कंटिन्यूअसली क्या चल रहा है, सेलिंग और बाइंग चल रहा है, बोलो हाँ है ना, उसी को क्या कहेंगे, मार्केट कहेंगे। इस बात में कोई डाउट है, पहले तो ये बताओ। नो कभी कभी कुछ भी करने से कुछ नहीं होता, उसी तरीके से मार्केट में भी कभी कभी कुछ करने से आप कुछ भी नहीं होता। अब इसमें मैंने तुम लोगों को टाइप ऑफ मार्केट पढ़ाया होगा, ये सारा माहौल एक छोटे से कॉन्सेप्ट, एक छोटी सी न्यूज के ऊपर है, जिसको मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। टाइप ऑफ मार्केट, हमने इसमें कितना टाइप की मार्केट पढ़ी है बोलो। एक हमने पढ़ी थी कि भाई मार्केट जो है वो परफेक्ट कंपटीशन होती है, यस और नो। परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी मार्केट, कोई भी क्या नहीं होता, कोई भी कॉम्पिटिटर जो होता है उसके पास कोई एडवांटेज नहीं होता, नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है। दूसरे टाइप की मार्केट होती है जिसे हम बोलते हैं मोनोपोली। इस मार्केट के अंदर भैया आपका बैरियर होता है, कोई और अंदर आ नहीं सकता, कोई अंदर से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। उसके बाद होता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, वॉशिंग पाउडर निर्मा, धूल सी सफेदी निर्मा से आए। निर्मा बेचने वाली कंपनीज अलग अलग तरीके के क्या करती हैं, ऐड करती हैं। हाँ जैसे अमन है हमारा, वो छुप छुप के फेरम लवली लगाता है, लगाती है मतलब, क्योंकि उसको पता चला कि फेरम लवली से क्या हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे। अब उसे क्या पता, यामी गौतम पहले से ही सुंदर है ना, और लगाई जा रही है, लग रहा है उसको क्या होगा कि एक दिन इसकी ब्यूटी निखर के बाहर आ जाएगी, पर नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। और उसके बाद एक मार्केट का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, ओलिगोपोली ओलिगोपोली। इस मार्केट की एक अपनी खासियत है, क्या है कि एक तो इसके अंदर बहुत ही अ फ्यू लार्ज फर्म्स होती हैं इसके अंदर, ये सुनो, जो मार्केट को डोमिनेट करती हैं। दूसरी चीज, इसके अंदर एक दूसरे पे क्या रहते हैं लोग, इंटर डिपेंडेंसी रहती है, तो इसलिए एक का डिसीजन दूसरे को क्या करता है, अफेक्ट करता है, बात सही है। और तीसरी बात कि इसमें होता है बैरियर्स, और इस बैरियर को और मजबूत बनाने के लिए और प्राइस के बीच में क्या ना हो, क्या ना ओके हो, कंपटीशन ना हो, तो ये क्या क्रिएट कर लेते हैं, क्या क्रिएट कर लेते हैं बोलो, ऐसा क्या क्रिएट कर लेंगे जो कंपटीशन ना हो, तो ये क्रिएट कर लेते हैं क्या, क्या क्रिएट कर लेंगे, कार्टल। क्या क्रिएट कर लेंगे, एक कार्टल। अभी कार्टल क्या होता है, कार्टल बेसिकली अ ग्रुप ऑफ फर्म्स दैट गेट टुगेदर, दैट गेट टुगेदर टू मेक आउटपुट एंड प्राइस डिसीजन, मतलब कि कितना माल बनेगा और किस रेट पर बेचा जाएगा, इसका पूरा का पूरा कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कार्टल इसके लिए जिम्मेदार होगा। जैसे तुम लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी, जॉन ब्रिक की पिक्चर है ना, जॉन ब्रिक पिक्चर है जिसमें बोलता है हाई टेबल, सो व्हाट सो एवर डिसीजन इज टेकन बाय द हाई टेबल, वो सबके लिए क्या होगा, मानना होगा उसको, सबको मानना होगा, ये सुनो। उसी तरीके का एक बहुत फेमस, बहुत ही ज्यादा फेमस क्या है आपका, काटल है, नाम बताओ, नाम बताओ,
बोलो कौन है? याद आया, मैं दिलवाऊं याद। बहुत फेमस कार्टल है जिसका नाम है क्या क्या बच्चों? ओपेक। क्या है नाम? ओपेक। फुल फॉर्म बताओ ओपेक की, बोलो। हाँ भाई, अमन, साक्षी, राधिका, ओपेक की फुल फॉर्म बताओ। ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यस और नो? सर ये है आपकी वो कंट्रीज जो पूरी दुनिया में किस चीज को कंट्रोल करती हैं, पेट्रोल के प्राइसेस को कंट्रोल करती हैं। इसको फाउंड करा गया 14 सितंबर 1960 में, कहां पर? बगदाद में। बगदाद में। और इसके शुरुआती मेंबर्स में तो खैर क्या थे आपका, बहुत सारी कंट्रीज थी, जैसे आपका 5 कंट्रीज थी, बट अब जो इसके अंदर आपका क्या कहते हैं टोटल मेंबर हैं, वो है 13 मेंबर। ये सारी वो हैं जो सबसे ज्यादा तेल प्रोड्यूस करती हैं। और इसका हेडक्वार्टर चेंज होकर के कहाँ चला गया है, कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर है वीने, ऑस्ट्रिया में। देखो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया में फर्क होता है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है? अच्छा, ये ओपेक का जो काम है वो है रिस्ट्रिक्शंस देना ऑयल प्रोडक्शन के ऊपर। अभी मैंने सारी कहानी आपको समझाई क्यों? क्योंकि ओपेक न्यूज में था। और ओपेक की न्यूज क्या है, तो ये वो है कि जो इंडियन ऑयल का जो क्या था इंपोर्ट था, ठीक है, वो क्या हुआ, वो गिरा है। जो क्या हुआ है, इंडियन ऑयल हम जो इंपोर्ट कर रहे थे उसमें क्या आई है, कमी आई है। पिछले 22 सालों में सबसे कम हमने जो तेल इस बार लिया है वो लिया हमने 2022 और 23 में। और उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि रशिया ने अपने ऑयल का प्राइसेस क्या कर दिया था, कम कर दिया। और आपको पता है ओपेक का मेंबर रशिया नहीं है, ओपेक का नहीं है, तो हमने ओपेक से तेल ना खरीद के किससे खरीद लिया, सीधा रशिया से। यस, तो जो ओपेक से हम तेल खरीदते थे उसमें क्या आई, कमी आई है। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? क्लियरली बात समझ में आ रही है? और हमने सबसे ज्यादा जो इस बार तेल खरीदा वो किससे खरीदा, रशिया से। लगभग 23% जो तेल आया हमारा टोटल 2022-23 में, वो कहां से उठाया हमने, रशिया से उठाया है। और ये भी बात ध्यान रखना, इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट, ऑयल इंपोर्टर है। एक बात और ध्यान रखना, जब ऑयल की बात हो रही है तो एक बार अभी अभी पीछे क्वेश्चन आया है कि पेट्रोलियम वाला शायद पटवारी के कोई पेपर में आता है, किसके पेपर में आता है, तो ऑयल का मतलब होता है क्रूड ऑयल। कैसा? क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल देखोगे ना अगर तुम कच्चे तेल को, तो कीचड़ जैसा दिखता है। इसीलिए इसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको क्या नाम दिया गया, डर्टी अच्छा ड्यूटी, डर्टी ड्यूटी के नाम से इसको जाना जाता है। और जो इसके लिए रेवोल्यूशन आया उस रेवोल्यूशन का नाम क्या दिया गया, ब्लैक रेवोल्यूशन। क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ, बोलो कोई दिक्कत?